जैसे अभी एक सज्जन ने बोला कि इस बार आपको अवार्ड नहीं मिला या अभी सबको नहीं मिल सकता या फिर दिस इज वेरी रूड. बेसिकली मैं बोलूंगी कि आप एक इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं. हो सकता है ये कुछ स्पोर्ट्स होती है पॉपुलर होती है कुछ नहीं होती है, पर मेरी गेम जो है वो ए ग्रेड स्पोर्ट है. 150 कंट्री पूरी दुनिया में खेलती है और यहाँ का कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है. इसमें एक मार्क बनाना, अपनी एक जगह बनाना इंटरनेशनली, ये बड़ी बात है. मतलब अगर ये कह रहे हैं कि इस बार नहीं फिर आपको मिलेगा डाउट, हाँ तो ये अगर ठीक है. 2003 में मैंने पहली बार इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया था. 2006 में कॉमनवेल्थ, 10 में एशियन गेम्स, 14 में एशियन गेम्स, फिर सैफ गेम्स की कैप्टनशिप, 9 में सिल्वर मेडल, 11 में गोल्ड मेडल और नेशनल रिकॉर्ड है मेरे पास. तो अगर ये अचीवमेंट्स कम है तो मुझे नहीं पता कि ये अचीवमेंट्स का लेवल क्या होना चाहिए. और ये एक तरीका होता है, ठीक है. अवार्ड्स हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते, इससे हमारा कोई ना गेम रुकने वाला है ना हमारा काम रुकने वाला है जी. लेकिन एक एक होता है ना एक प्रोसीजर, कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि एक फेयर प्रोसीजर कि हाँ कब ये नॉमिनेशन हो रही है या कमेटी कौन हेड कर रहा है जी. एज अ प्लेयर मैं बताती हूँ, अगर हम लोग खेलते हैं और एक कोच होता है, जैसे एक कोई हमारे पहले कोच थे अमेरिकन कोच थे, फिर स्पेनिश कोचेस आए उनके साथ खेलते, तो हमें पता है कि उनके यहाँ बास्केटबॉल बहुत एडवांस है, तो वी लिसन टू देम. हम उनके आर्ग्यूमेंट्स को मानते हैं, हो सकता है कि ये गलत हम नहीं खेल सकते, वो बताते हैं फिर हम उनको सुनते हैं. या हमारे कोई सीनियर प्लेयर हैं जिनकी अचीवमेंट्स इस टाइप की हैं जिनको हम एडमायर करते हैं, तो उनकी बातों को सुनते हैं. तो अगर ये कमेटी है और उसमें कोई ऐसा कौन हेड कर रहा था स्पोर्ट्स पर्टिकुलर को, आई वांट टू नो. सो कि भाई अगर हम कम से कम एक बात तो कर सके, एक आर्ग्यूमेंट तो अपना रख सके. बिल्कुल यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता.